हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं लिब्रा कैल्क मैंने ओपन कर रखा है और यहां पर प्राइस में कोई भी करेंसी का सिंबल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये करेंसी का सिंबल आएगा कैसे? अगर आप नए हैं लिब्रा कैल्क में तो आपको भी ये बात पता नहीं होगी। और ये कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले उस पूरे पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए जिसपे आपको ये करेंसी सिंबल लेके आना है। तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है, यहां से यहां तक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यानी मैं B2 से लेकर और B7 तक का पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूं। और इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर क्लिक, यहां पर देख सकते हैं ये आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा फॉर्मेट एज करेंसी, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और 4 बटन, न्यूमेरिक 4 बटन प्रेस नहीं करिएगा आप, आपको अल्फाबेटिक 4 बटन प्रेस करना है और यहां पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आएंगे तो यहां पर आपको डिफॉल्ट दिखेगा रुपीज, ठीक है। अगर आपके में रुपीज ना आए तो आप यहां से स्क्रॉल करके देख सकते हैं, आपको रुपीज मिल जाएगा और यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो ये रुपीज के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहां रुपया लिखा हुआ आएगा आगे, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी अगर आप इंडियन करेंसी का रुपीज सिंबल लेके आना चाहते हैं तो सिंपली यहां पर क्लिक करें और रुपीज लेके आ सकते हैं। यहां पर क्लिक कर देंगे तो रुपीज आ जाएगा। इसमें एक यहां पर देख सकते हैं ये चेंज हो गया है, इसको यहां से सही कर लेते हैं, ये आ गए, ठीक है। और यहां पर क्लिक करेंगे तो ये रुपीज आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप चेंजिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।